नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में तालिबान के आगे पूरी सरकार का सरेंडर, गवर्नर से लेकर पुलिस चीफ तक हिरासत में। महाकाल मंदिर में कैलाश विजयवर्गीय के वीआईपी दर्शन पर हंगामा, भस्म आरती में हुई आधे घंटे की देरी। स्वतंत्रता दिवस, दिल्ली पुलिस के वेश में लाल किले में घुस सकते हैं खालिस्तानी समर्थक, खुफिया अलर्ट के बाद हाई लेवल मीटिंग जारी। कश्मीर में आतंकवादियों को भेजने से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान, एनकाउंटर से मारा गया उस्मान, निकला पाकिस्तानी। जब इंदिरा के सामने रामविलास पासवान ने राहुल गांधी को बताया था बच्चों का नेता। दिल्ली कैंट रेप के सभी आरोपियों को पोटेंसी टेस्ट कराया, कपड़े और मोबाइल भी जब्त। संसद के हंगामेबाजों पर एक्शन पर बोले नायडू, मेरे लिए दो आंखों की तरह है पक्ष और विपक्ष, जल्द होगा फैसला। हरियाणा अम्बाला में जीटी रोड जाम कर रहे 50 किसान हिरासत मिले गए, तलवारें और लाठियां बरामद, केस हुए दर्ज। दिल्ली के अस्पताल में बढ़ रही है मरीजों की तादाद, अब इन कारणों से भर रहे हैं बेड। दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी से नोएडा बॉर्डर पर लगा भारी जाम, फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए कई रास्ते बंद। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।